इनकलाब जिंदाबाद 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 विनोद सिंह जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 तीन तारा जिंदाबाद 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 आपका बटन कहाँ दबेगा नंबर जहाँ रहेगा तीन तारा जहाँ रहेगा आपका बटन कहाँ दबेगा विनोद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां चरम पर है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरूडी में जिला परिषद सदस्य उस्मान अंसारी के नेतृत्व में यहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हैं। क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है, अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। स्क्रीन पर तस्वीर देखें तो उस्मान अंसारी नेतृत्व कर रहे हैं। यहां पर और भी हमारे कुछ गणमान्य लोग हैं, पीछे बहुत सारे युवा इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बात करते हैं उस्मान अंसारी से, जिला परिषद सदस्य भी हैं ये। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किस तरह की सरगर्मियां आपको देखने को मिल रही है, आपके अपने अगर क्षेत्र की बात की जाए? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। अभी जहां पर हम लोग हैं, ये मेरा चुनावी क्षेत्र है, जिला परिषद क्षेत्र है, और यहां एक तरफा गांव के गरीब किसान मजदूर लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। और इतना विनोद सिंह जिंदाबाद इतना वोट देने जा रहे हैं लोग, कोडरमा में इतिहास रचने जा रहे हैं लोग, कोडरमा में इतिहास रचने की तैयारी में यहां के लोग, कहना है उस्मान अंसारी का। जिला परिषद सदस्य हैं, भाकपा माले के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। किस तरह का क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, लोगों का किस तरह से आपको रुझान मिल रहा है देखने को? लोग जहां जाते हैं हम लोग ये कहने के लिए कि वोट दीजिए विनोद सिंह को, गठबंधन को, उसके पहले लोग बोलते हैं कि हम लोग विनोद सिंह का है। वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा कारक है कि लोगों का जो मिजाज है वो अचानक पूरी तरह से बदल गया है और लोग जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस तरह से उनका रुझान आ रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर जो विनोद सिंह जो विधायक है तीन बार से बगोदर का, और वो झारखंड में उत्कृष्ट विधायक का दर्जा भी मिला है, और जनता के खड़ा रहते हैं, और किसी भी वर्ग समुदाय का विभाग का बेहिचक आवाज उठाते हैं और उसके लिए जो है सो लड़ते हैं। उत्कृष्ट विधायक की छवि, बेदाग छवि, साफ सुथरी छवि, जुझारू नेता, ये सब के सब जो खूबियां है विधायक विनोद सिंह में, वो एक विशेषता है उनके अंदर, और जिसके कारण संसदीय क्षेत्र की सभी वर्गों की जनता का भरपूर सहयोग, स्नेह, प्यार उनको मिल रहा है, आशीर्वाद उनको मिल रहा है, जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पूरे क्षेत्र की जनता का मिजाज और मन जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। उस्मान अंसारी हमारे साथ प्रतिक्रिया दे रहे थे संसदीय क्षेत्र कोडरमा सीट पर। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है, नाम बताएं। राम सिंह मेरा नाम है। कौन सा क्लब का आप अध्यक्ष हैं? हम नवयुवा समिति के क्लब के अध्यक्ष हैं। नवयुवा समिति सिकरूडी के आप अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? राम सिंह है सर। राम सिंह जी, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है आपके क्लब के लोगों के बीच और आपके क्षेत्र के लोगों के बीच? अत्यंत सौभाग्य दिख रहा है, बिल्कुल विनोद सिंह की तरफ जा रहा है। ये हमारे नवजोत समिति की ओर से कहना है कि हमारे जो विनोद सिंह नेता है बहुत ही कर्मठ है, वो जुझारू नेता है, इस बार जो है विनोद सिंह के पक्ष में सारे नवजोत समिति नव युवक समिति के लोगों का कहना है कि विनोद सिंह कर्मठ है, जुझारू है, काम करने वाले हैं, सांसद बन गए, क्या काम करवाइएगा? हमारे जितने भी समिति जो हमारे गांव का है, पंचायत का जो भी है, जो अच्छे से अच्छे काम है, लोगों का रोजगार दिलवाना, इंदिरा आवास बनाना, जो भी तरह का जो है सबका अच्छे से काम होना चाहिए। हमारा जलकूप नहीं हुआ है, जलकूप करना है, हर तरह का जो जितना भी हमारा सहयोग है हमारे जो इस विधायक की तरफ से मिलना चाहिए। चलिए तस्वीर देख रहे हैं आप ग्राम पंचायत सिकरूडी की, देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरूडी, और इस
क्षेत्र के जो जिला परिषद सदस्य हैं उस्मान अंसारी वो भी यहाँ उपस्थित हैं और इनके पीछे युवाओं का यहाँ पर टोली है। सबके सब कदम से कदम मिलाकर घर घर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लोगों को विनोद सिंह के विषय में जानकारी पहले से ही है लेकिन घर घर जाकर लोगों से बातें कर रहे हैं और उनसे वोट डालने की अपील और आग्रह भी की जा रही है। उस्मान अंसारी से बात हुई, यहाँ के एक और वक्ता हमारे साथ जुड़े, दोनों ने एक सुर में कहा है कि सबके सब लोग जो है पूरी तरह से मन और मिजाज बना चुके हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, उनको संसदीय क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जिसके कारण एक बहुत बड़ा जीत, बहुत बड़ी जीत और एक इतिहास रचने के कगार पर है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह। धन्यवाद।